प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आजमगढ़ की जनसभा में कांग्रेस पर एक बार फिर से जमकर बरसे हैं और पीएम ने कहा कि देश में कोई माई का लाल सीएए नहीं खत्म कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि देश का हर नागरिक जान गया है कि विपक्षियों ने हिंदू मुसलमान कर अपना वोट बैंक तैयार किया है। मोदी ने इनका नकाब उतार दिया है। पीएम मोदी ने विपक्षियों को ढोंगी भी बताया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को नागरिकता दी जा रही है उनमें अधिकतर हमारे दलित भाई बहन हैं, ओबीसी और पिछड़ी जातियों के लोग हैं। इन लोगों पर वहां तो जुल्म हुआ ही है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबी यहां की कांग्रेस की सरकारों ने भी इन लोगों की कभी सुध नहीं ली है और इन पर जुल्म करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ी। देश का हर नागरिक जान गया है कि आप लोगों ने वोट बैंक की राजनीति करके हिंदू मुसलमान को लड़ा लड़ा करके और सेक्युलरिज्म का ऐसा चोला पहन लिया था कि आपकी अंदर की पाप की सच्चाई बाहर नहीं आती थी। ये मोदी है जिसने आपका नकाब उतार दिया है। ये आपका नकाब, आप ढोंगी है, आप सांप्रदायिक है, आपने देश को 7 दशक तक संप्रदाय की आग में जूझने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, ये मोदी की गारंटी है। देश विदेश कहीं से भी जो भी ताकत इकट्ठी करिए कर लो, मैं भी मैदान में हूं, तुम भी मैदान में हो।